there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are home. Dosto, aapne itne bhar bhar ke mere comment kare hain mere last video ke upar ki aap bol rahe the ki teri jo transformation hai wo natural transformation nahi hai. तूने कौन सा स्ट्राइड यूज किया है और क्या क्या तूने अपनी जो कटिंग के दौरान क्या क्या यूज किया है, दो महीने के अंदर इतनी जल्दी कैसे फैट रिड्यूस कर लिया. तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा, जो मैंने स्ट्राइड लिया है, क्या मेरी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, सारी चीज आपको जानने को मिलेगी. टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए. इस वीडियो के अंदर सारा बताऊंगा कि 32% से कैसे अभी मैं 15% पे पहुंचा हूं दो महीने के अंदर. तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. यार आप लोगों ने इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया. मेरे जो कमेंट बॉक्स है, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, अपनी व्लॉग वीडियो बनाई थी, उस पे इतने सारे कमेंट आए उसमें, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी एक्सपोज करी थी. आज इस वीडियो में मैंने दिखाई है. तो वहां पे आप बोल रहे थे कि यार दो महीने के अंदर तूने इतना ज्यादा फैट ड्रॉप कैसे करा. मेरा पहले था 32% बॉडी फैट और अभी मेरा 15% 14.5 के आसपास है. तो इतना कम मैंने कैसे कर लिया दो महीने के अंदर, नेचुरली पॉसिबल नहीं है. भाई तूने तो इंजेक्शन लगाए हैं, कौन सा स्टेरॉइड लिया है, कौन सा स्टैग इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक को क्यों चूतिया बना रहा है, सच सच बता दे कौन सा सप्लीमेंट, कौन सा स्टेरॉइड यूज कर रहा है. तो भाई आज इन्हीं सब चीजों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो तो मेरे को जानते ही होंगे, क्योंकि मैं पुलिस के अंदर हूँ और पुलिस के अंदर जॉब करता हूँ. बहुत कम फिटनेस को टाइम मिल पाता है. एज ए पैशन है मेरा फिटनेस, मैं बहुत पसंद करता हूँ. तो मैं जिम नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरे को कितना भी टाइम मिले मैं जिम जाता ही जाता हूँ. तो लास्ट 6 महीने पहले क्या हुआ था कि मैं ट्रेनिंग पे चला गया था 4-5 महीने पहले. तो 5-6 महीने के लिए मेरा यूट्यूब बिल्कुल छूट गया था यार. बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरे ऑडियंस थी, अभी मान लो आप 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो रखे, अरे मेरे भाई सब्सक्राइबर मेरे काम मर गए. मेरे भाइयों जिंदा हो जाओ यार. लोग बात कहते हैं अब तो कमेंट करने लग गए कि भाई 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले लेकिन व्यूज तेरे 2,000, 5,000, 7,000. अरे यार बड़ा दिमाग खराब होता है, बहुत बुरा लगता है. तो भाई मेरे जो मरे हुए सब्सक्राइबर है जिंदा हो जाओ यार, दोबारा से वापस आ जाओ. कहाँ चले गए तुम लोग, बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारे सपोर्ट की. आप लोग भूल गए मेरे को, क्योंकि मैंने जो गैप दिया उस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होगी, मेरा यूट्यूब चैनल काफी डाउन चला गया. तो उस दौरान क्या हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग पे था तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वर्कआउट ढंग से करूं. जो भी मिल रहा था खा रहा था और वहां मेरा एक्टिविटी लेवल इतना हार्ड नहीं हो पा रहा था जितना मैं 4-5 घंटे अभी मतलब दिन में बिताता हूं. 2-2.5 घंटे कार्डियो, शाम को वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, सब कुछ मैं करता हूं. तो अभी वहां डाइट कंट्रोल नहीं कर सकता था और मेरी बॉडी है मेसोमॉर्फ, मेरी बहुत जल्दी बॉडी फैट होल्ड करती है. तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट आ गया था जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा फैटी हो गया था और बहुत ज्यादा ताने मारना स्टार्ट कर दिया था. अब रिसेंट मैंने 2-2.5 महीने से अपनी जो फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूं. मुझे अपना फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में लाना है. अब भाई बहुत सारे मेरे भाई हैं, अब वो ये मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई बता दे तूने कौन सा स्टेरॉइड यूज करा है और क्या तू ले रहा है जो तेरी बॉडी 2 महीने के अंदर इतनी चेंजेस हो रही है. तो मेरे भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, देखो भाई सबसे पहली बात तो हमारा चैनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है और ना ही मैं कोई एस्ट्रॉइड लेता. अगर एस्ट्रॉइड लेता होता तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता, क्योंकि मैं आज आपको एक सच्चाई बता दूं. यूट्यूब के ऊपर आपके जो ये प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं ना, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं, सबकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन जाते हैं, सब इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन आपको बताएगा कोई नहीं. आपको अगर ये बता देंगे कि हम स्टेरॉइड लेते हैं तो यार आप कहाँ से फॉलो करोगे, आप उनकी बुराई करने लग जाओगे. तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं. और कुछ लोग बताते भी हैं तो अच्छी बात है, कुछ लोग कुछ यूट्यूबर्स एग्री भी करते हैं कि हाँ हम लेते हैं. और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे जो कॉम्पिटिशन वगैरह भी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो भाई उनको लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है अगर आप का फिटनेस में ही करियर है और फिटनेस में ही आगे आपको लेके जाना है तो आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है. अब जो मेरी बॉडी है किसी भी एंगल से आप देख के बता दो, मेरे को कमेंट जरूर करना कि आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मैंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करा है. तो दोस्तों मेरी जो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल नेचुरल है और जो हमारे प्यारे प्यारे भाई यूट्यूबर्स हैं, जो हद से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 3-4 अगर यूट्यूबर को छोड़ दूँ तो मैं आपको सारे बता दूँ, सारे इंजेक्शन लगाते हैं और सब आपको चूतिया बनाते हैं और आप बनते भी हैं. आपको डाइट बता देंगे आप वो खाने लग जाएंगे, आपको जो और वर्कआउट बताते हैं वो करते हैं.
क्या होता है, आप सोचते हैं कि आप उनके जैसे हो जाएंगे, लेकिन आप उनकी डाइट भी इस्तेमाल करते हैं, आप उनका वर्कआउट भी फॉलो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो रिजल्ट नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल है और वो स्टेरॉइड लेते हैं, और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर होने के नाते आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेचुरल एथलीट को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो स्टीरॉयड लेता है। आपको मालूम होगा, अब यार आप बताओ कि आपकी बॉडी एक दिन के अंदर 5 से 7 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और अगर एक हफ्ते का अंदाजा लगाए तो 40 हो गया 7 के हिसाब से। और जो भाई हमारे टीके वाले इंजेक्शन वाले, वो भाई आने दे, एक इंजेक्शन पहला 250 mg गई बॉडी के अंदर, फिर 2 दिन के बाद में एक इंजेक्शन पहला 250 mg गई बॉडी के अंदर, फिर 2 दिन बाद, तो भाई वो तो एक हफ्ते के अंदर ही मतलब 750 mg 1000 mg के आसपास लेने ही, यानी कि हमारी जो बॉडी महीने में बनाती है जितना, महीने में भी उतना नहीं बना पाती जितना वो एक हफ्ते में ले लेते, तो कहाँ से उन्हें टेक ओवर कर पाएंगे भाई। तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का राज मैं आपको अपनी ये बता दूं, 2 से 2.5 घंटे मैं सुबह कार्डियो करता हूं, कार्डियो के साथ में मैं अपने एब्स का वर्कआउट करता हूं, और शाम को मैं करता हूं 2 घंटे वेट ट्रेनिंग। उसके साथ में भाई जो मेरी दिन भर की डाइट है, अगर आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं पूरे दिन का अगर बताऊं तो मेरी जो चिकन जो मैं लेता हूं पूरे दिन में 1 kg लेता हूं, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे भाई 1 kg कैसे डाइजेस्ट कर लेता होगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूं तो ईजिली मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। तो 1 kg के आसपास मेरा चिकन, उसके बाद 15 अंडे जिसके अंदर मैं होल एग सिर्फ 2 ही लेता हूँ, और उसके साथ में 300 ग्राम के आसपास पूरे दिन में ब्राउन राइस और आपकी वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह, एप्पल और फाइबर का जो भी सोर्स है, ये सारी चीज़ें अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ड्यूरिंग माय फैट लॉस। और इसके अलावा मैं कोई अभी प्रोटीन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना मैं कोई प्रोटीन इस्तेमाल कर रहा फिलहाल, अभी मैं सोच रहा हूँ आगे करने के लिए करूँगा, ना मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ करा, अभी तक जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल नेचुरल है। तो भाई मेरे आपको ये मैं बता दूं कि जो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है ये बिल्कुल नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 15 है, मुझे लेकर आना है सिंगल डिजिट में, तो इसको आने में अभी टाइम लग जाएगा क्योंकि एज ए नेचुरल आपको कई बार स्किप हो जाती है, रूटीन आपका स्किप हो जाता है, ड्यूटी की वजह से सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जिस मर्जी को चाहे फॉलो करें, आप YouTube पे किसी को भी फॉलो करें, वो आपकी पर्सनल चीज़ है कि आप किसी को भी फॉलो करें, जो आपको अच्छा लगता हो आप उसको फॉलो करें, लेकिन आप अंधे मत बनिए, आप ये मत सोचिए कि जो अगला आपको बता रहा है जैसी उसकी बॉडी है, अगर वो सब आप डाइट फॉलो करके और वो सब चीज़ें आप खाकर अगर आप उन जैसे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एज ए नेचुरल आप स्ट्रांग बने, मेहनत करें, क्योंकि भाई नेचुरल रहोगे तो लंबा टिकोगे, लंबा टिकोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं जिम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार वहाँ पे जो नए नए 18-19 साल के लड़के आते हैं, वो जाके एज ए ट्रेनर से जाके पूछते हैं कि भाई मुझे बता दो यार, मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है, कोई अच्छा ढंग का बंदा वर्कआउट कर रहा है तो उनको उस जैसी बॉडी बनानी है, फास्ट रिजल्ट चाहिए, इंजेक्शन चलाएंगे, स्टेरॉइड चलाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर, बॉडी अच्छी बन जाएगी, देन उसके बाद क्या यार, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अगर तुमने एक बार एस्ट्रॉइड ले लिया ना तो तुम उसके चक्कर में ऐसा फंस जाओगे, उस चक्कर व्यू में ऐसा फंस जाओगे कि कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि अगर तुमने एक बार ले लिया तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना, हर चीज़ बढ़ जाएगी, और फिर जब तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी पहले से भी बदतर हालत में हो जाएगी, फिर तुम्हें डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्ट लेवल्स बंद हो जाएंगे क्योंकि आप बॉडी को आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बॉडी खुद का बनाना बंद कर देगी, और जब आपका जब इंजेक्शन साइकिल वगैरह सब खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद आपकी बॉडी नेचुरली प्रोडक्शन आपकी बंद कर देगी, तो उसे वापस रीबिल्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत तगड़ा डिप्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं करना, एज ए फिट रहना है, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो फिटनेस में हैं, उन्हें लेना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, इस वजह से वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो लेते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं बता रहा क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, उसी चीज़ से उन्हें पैसा कमाना है, उसी चीज़ से उन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर फंस गए तो आपने एक बार लगा लिया, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा उसी चीज़ के पास जाएंगे, यानी कि आपको दोबारा मन करेगा कि हाँ भाई मेरा तो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना सब गया, मैं दोबारा से साइकिल चलाऊंगा, फिर आप दोबारा से चला जाएंगे, ऑन ऑफ सारी उम्र यही चलता रहेगा, और इस चीज़ से आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बताएगा कोई नहीं, सब बोलते कुछ नहीं होता यार, लगा ले कुछ नहीं होता, मैंने भी लिया था, तो
अभी यंग एज है, कम से कम आप 5-6 साल की ट्रेनिंग करते हुए आपको टाइम हो गया और आपकी एज 25 साल से अबव है, और अगर आप फिटनेस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, तो किसी अच्छे बंदे के पास जिसे जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जिसे इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, तो उसके अंडर रह के आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर आपको इस प्रोफेशन में आगे जाना है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप इस्तेमाल ना करें। और जो आपके भाई हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपको बताते हैं कि भाई हमारी नेचुरल बॉडी है, तो भाई नेचुरल मैं कह रहा हूँ कि सब चूतिया बनाते हैं आपको। कोई भी मैं कह रहा हूँ 3 से 4 यूट्यूबर्स को निकाल दूँ तो 4 के अलावा 5वां यूट्यूबर आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो नेचुरल है। सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, सब गियर लेते हैं, आप उनकी बॉडी को देख के अट्रैक्ट होते हैं। आप नॉलेज लीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और वहाँ से अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। सिंपल है, आप स्टेरॉइड मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा। और जो मेरी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिल्कुल नेचुरल है, 2 महीने की बहुत हार्ड वर्क है, इसमें किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कैसी डाइट लेता हूँ, मैं कितना जिम में जाके पसीना बहाता हूँ, कितने मैं क्रंचेस करता हूँ, कितने लेग रेज लगाता हूँ, और कितनी मेरी डाइट कंट्रोल में, तब जाके मैंने इतनी मेहनत करने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर इतना अपना बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करा है। और अभी सिंगल डिजिट में आने के लिए 2 महीना और लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कौन कौन यूट्यूबर नेचुरल है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कौन कौन नेचुरल है और कौन कौन नहीं है। तो वैसे थोड़ा ये गलत हो जाएगा बोलना, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, बॉडी को देख के आप पता लगा सकते हैं नेचुरल और स्टेरॉइड वाले बंदे की बॉडी में दिन और रात का अंतर होता है, बहुत फ़र्क होता है। मसल क्वालिटी होती है, स्किन क्वालिटी होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपको लगता है कि मैंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। मैं नेचुरल हूँ और आपको नेचुरल ही रहने की सलाह दूंगा। तो मेरी तरफ से आपको आज ये छोटी सी टिप्स थी, और मेरा उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि मैंने कोई साइकिल यूज़ करी है, ऐसा भाई कुछ भी नहीं करा, डाइट है, मेहनत है, रेस्ट है, इसके अलावा तीसरा और कोई भी तोड़ नहीं है। अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, नेचुरल रहो, बॉडी बनती है, टाइम लगता है, लेकिन टाइम देना कोई चाहता नहीं है, एक बहुत टाइम देना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे आपका मसल ग्रो करता है, ये नहीं है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज स्टार्ट किया और आप 2 महीने 6 महीने के अंदर रिजल्ट्स आते हैं, इसमें सालों साल लगते हैं, टाइम देना पड़ता है। और मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट करता हुआ अभी आ रहा हूँ, इसलिए मेरी बॉडी के अंदर थोड़े जल्दी चेंजेस आ गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज मेरी आप लोगों को छोटी सी एक राय, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी फिट एंड कीप ग्रोइंग। बाय।